आज की प्रेस विज्ञप्ति एक मुफस्सिल और दूसरा आरआर नगर दो थाना में दर्ज दो महत्वपूर्ण कांड जो है उनके संबंध में बुलाया गया है। दोनों कांड एनडीपीएस से संबंधित है और आप लोग अवगत होंगे कि हमारा जो गांगी क्षेत्र है उस एरिया में पहले से भी एनडीपीएस से रिलेटेड जो है कांडों और वहाँ पे इसके अवैध व्यापार को लेके वह जगह पहले से भी कुख्यात रहा है, जहाँ पर पहले भी कई बार कार्रवाइयाँ हुई हैं। उसी के संदर्भ में जो अभी हम लोग की लगातार गश्ती आसूचना संकलन वर्तमान में जो भोजपुर पुलिस के द्वारा लगातार किया जा रहा है, तो एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई जिसके क्रम में सहायक पुलिस अधीक्षक सदर श्री हिमांशु के नेतृत्व में जो दो तीन हमारे थाना अध्यक्ष हैं जो आरा नगर मुफस्सिल और नवादा और हमारे डीआईयू की टीम, इन सब ने मिलकर पहले तो एक जगह छापामारी किया जहाँ से दो लड़के जो कि यहाँ से बेटा जो ले जा रहे थे हीरोइन जैसा पदार्थ है, लेकिन अभी इसका टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या है, लेकिन ये हीरोइन जैसा पदार्थ जो उन्होंने अपने स्वीकार बयान में जो स्वीकार किया और यहाँ से खरीद के ये पटना में ले जाकर इसकी बिक्री करते हैं। और ये लड़के हैं जो अभियुक्त दोनों गिरफ्तार हुए हैं, पहला है मुकेश कुमार, पिता स्वर्गीय सुदामा प्रसाद, श्रीरामपुर बिहटा का है, और दूसरा है प्रकाश कुमार, पिता लाल बाबू प्रसाद, श्रीरामपुर बिहटा। ये दोनों बिहटा के ही हैं, ये पहले भी इन्होंने स्वीकार किया कि पहले भी कई बार कई जगह से ये अपना एनडीपीएस के सब व्यापार में ये संलिप्त रहे हैं। तो इनकी गिरफ्तारी से निश्चित ही इसमें सफलता प्राप्त हुई है और इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो 50 ग्राम हीरोइन जैसा पदार्थ और उनके पास से नकद 43,000 रुपये और एक होंडा कार और दो मोबाइल इनके पास से बरामद हुए हैं। और उसके अतिरिक्त तो दूसरा जो इसी सूचना के क्रम में हमें और सूचना मिली कि गौसगंज क्षेत्र में भी कुछ ऐसा अवैध व्यापार चल रहा है, तो वहाँ भी सहायक पुलिस अधीक्षक से हिमांशु उसके बाद इनके नेतृत्व में एक टीम गई और इस टीम में थाना अध्यक्ष आरा नगर मुफस्सिल और हमारी डीआईयू की टीम इन सब ने मिल के और नवादा इन लोगों ने मिल के वहाँ पे संयुक्त रूप से कार्रवाई की। और इस कार्रवाई में वहाँ पे एक अभियुक्त है राजू पासवान पहले भी इनका नाम आया था, इनके यहाँ से जब छापेमारी कई जगह छापेमारी हुई इनके यहाँ से लगभग 293 ग्राम अवैध ये हीरोइन जैसा पदार्थ ही है, लेकिन ये अभियुक्त भी बताया कि वहाँ से भी ये लेते थे, तो ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये हीरोइन है। और इसके अतिरिक्त बरामदगी में इसके यहाँ से एक इलेक्ट्रॉनिक छोटा तराजू जिसके माध्यम से ये बेचता था इसको नाप तोल करके, और एक मोबाइल बरामद हुई है और उस मोबाइल को भी जो है हम लोग अनुसंधान में आगे देख रहे हैं, उससे आगे जो सूत्र मिलेंगे तो उनके माध्यम से इस जो भी एनडीपीएस का ये यहाँ पर अवैध व्यापार चल रहा है, तो अभी हम लोग आगे भी इस पर लगातार कार्रवाई करते रहेंगे और पब्लिक से भी जैसे हमें आसूचना प्राप्त होती है तो हम लोग तत्काल कार्रवाई करते हैं, और ये भी आसूचना कहीं ना कहीं हमें आम पब्लिक से और अपने आसूचना संकलन से प्राप्त हुआ था जिसमें ये सफलता मिली है। और ये जो संपूर्ण जो मात्रा है 293 और 50 ग्राम लगभग 350 ग्राम के आसपास ये हो रहा है, और इसकी मार्केट में जो मूल्य लगभग आंकलन एक एवरेज रूप से किया जा सकता है ये लगभग 20 लाख के आसपास जो है बताया जा रहा है जिस मूल्य से ये लोग खरीदते थे और बेचते थे। तो निश्चित ही भोजपुर पुलिस के द्वारा ये कई बड़ी उपलब्धि है और इस प्रकार हमारा जो है अवैध मादक पदार्थों और अन्य जो है जो हमारे अवैध जो कारोबार यहाँ पर ये लोग करते हैं भोजपुर में और गांगी क्षेत्र में, इसके खिलाफ लगातार चलती रहेगी और इन अभियुक्तों को जो है किसी भी प्रकार से अवैध गतिविधि करने की छूट नहीं दी जाएगी। देखिए मैंने बताया कि ये अनुसंधान का विषय चल रहा है, एक तो राजू पासवान के घर से बरामदगी भी हुई है तो उसकी भी संलिप्तता है, उसकी कई अन्य साथी हैं जो मोबाइल भी बरामद हुई हैं दो तीन वहाँ से, तो उन मोबाइल के माध्यम से भी हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं कि उनमें आपस में क्या चैटिंग हुई है या किसके साथ इनके आपस में बातचीत है या कहाँ पर ये सप्लाई करते थे, कहाँ से खरीदते थे, इस संपूर्ण चेन की जो है विधिवत ढंग से इसका अनुसंधान किया जाएगा, जो भी इसमें संलिप्त होगा उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।